बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले ही महागठबंधन के टूटने के आसार बढ़ते ही जा रहे हैं। लालू यादव राज्यसभा के अपने उम्मीदवारों का नामांकन करवाकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस से लालू यादव को मोह खत्म होने लगा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन को दो प्रमुख दलों राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी साफ तौर पर देखी जा रही है। आरजेडी ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी के चिट्ठी को फर्जी कह दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जिस पत्र की बात हो रही है वो किसी के नाम संबंधित नहीं था, ऐसे कोई पत्र किसी को नहीं लिखता। जगदानंद सिंह ने कहा कि लगता है यह चिट्ठी फर्जी थी। जगदानंद सिंह के इस बयान से तिलमिलाई कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले जगदानंद सिंह अपनी पार्टी के साथ ही लालू यादव और तेजस्वी के भी हितैषी नहीं हो सकते। आपको बता दें कि कांग्रेस बिहार के राज्यसभा सीट से कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल राज्यसभा जाना चाहते थे। इसको लेकर कांग्रेस ने राजद को अपना पुराना वादा भी याद दिलाया था। कांग्रेस ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में राजद ने यह वादा किया था कि वो राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देगी, लेकिन कांग्रेस के बार बार दबाव बनाने के बाद भी लालू यादव ने कांग्रेस की एक न सुनी और अपने दो चहेतों को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया। लालू यादव ने अपने पुराने व खास साथी प्रेमचंद गुप्ता के साथ भूमियार जाति से आने वाले बड़े कारोबारी अमरेंद्र धारी सिंह को राज्यसभा भेजकर कांग्रेस को क्लियर मैसेज दे दिया कि लालू यादव जो चाहेंगे महागठबंधन में वही होगा। तो बड़ा सवाल अब यह उठता है कि 90 के दशक के बाद राजद का पिसलग्गू बना कांग्रेस क्या राजद की शरण में रहेगा? गोहिल की चिट्ठी पर बड़ा तकरार लगता है राजद और कांग्रेस के राजनीतिक रिश्तों पर आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाला है, जो अब साफ तौर पर दिखने भी लगा है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।